हेलो एवरीवन, क्लास सेवन स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द एनसीईआरटी साइंस सॉल्यूशंस ऑफ योर चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हमने पिछली वीडियो में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखी थी, उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर वन इज मैच स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम वन विद फंक्शंस गिवन इन कॉलम टू। तो व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स इन कॉलम वन? फर्स्ट वन इज टोमेटा। इट्स आंसर इज बी ऑप्शन, ट्रांसपीरेशन, बिकॉज टोमेटा हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट इज सेकेंड, जाइलम। जाइलम इज अ वर्स्कुलर बंडल विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। Root hairs, what is the function of root hairs? They absorb water from the soil. So right is absorption of water. Now fourth one is phloem. Phloem is responsible for the transport of food in plants. Okay, this is also known as translocation bhi kehte hain ise. Now question number two is fill in the blanks. The blood from the heart is transported to all parts of the body by आर्टरीज। ओके, रिमेंबर दिस, आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स जिनमें हार्ट से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में। सेकेंड, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। ओके, वेयर इज द लोकेशन और वेयर इज हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन योर ब्लड? इट इज़ इन रेड ब्लड सेल्स। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड, इट कैरीज ऑक्सीजन। थर्ड वन इज आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंट बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपलरीज। जहाँ आर्टरीज और वेन्स नहीं पहुँच पाती हैं इंटीरियर रीजन्स पे सेल्स के, तो वहाँ पर कैपलरीज पहुँचती हैं, तो ये कैपलरीज के नेटवर्क से ज्वाइंट है। नाउ फोर्थ वन इज द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ओके, जो हमारा हार्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है, तो इस रिदमिक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या जनरेट होती है? हार्ट बीट जनरेट होती है। ओके, फिफ्थ वन इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज यूरिया। ओके, जो यूरिया है दैट इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। नाउ सिक्स्थ वन इज स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स। स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स, हमारे पसीने में पानी और नमक होता है। सेवन्थ वन इज किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटीरियल्स इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड यूरिन। ओके, तो जो हमारा नाइट्रोजिनस वेस्ट है यूरिया, वो यूरिन के फॉर्म में बनता है किडनीज में। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? यूरिन। ओके, नाउ एट्थ वन इज वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय ट्रांसपीरेशन। क्योंकि ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से लॉस ऑफ वाटर होता है लीफ सरफेस में, तो वहाँ पे एक सक्शन क्रिएट होता है जिससे वो इन ग्रेट हाइट्स पे पानी को खींचता है अपनी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, येस राइट आंसर इज जाइलम। ओके, जाइलम पे आप टिक लगा लेंगे अपनी बुक में। बी पार्ट, वाटर एब्जॉर्ब्ड थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स। तो जो वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट्स में, वो हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? प्लांट को हम कहाँ रखेंगे ये बताओ? इन द शेड। ओके, क्योंकि ड्यू टू हीट होता है वाटर जो आपका इवेपोरेट होता है ड्यू टू हीट होता है, ठीक है? तो शेड में रखेंगे तो रूट्स ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेंगी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एन एनिमल, एक्सप्लेन। अब क्या ज़रूरत है कि मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में हो, इसको एक्सप्लेन करो ज़रा। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स इज नेसेसरी इन अ प्लांट और एनिमल फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। प्लांट्स में समझो बेटा, हमें न्यूट्रिएंट, वाटर, सॉल्ट्स, फूड को वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पहुंचाना है। नंबर वन,
दूसरा जो फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है उसको स्टोर डिफरेंट पार्ट्स में करते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में ज़रूरी है। अब एनिमल्स में क्यों ज़रूरी है? फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड कैरी करता है। इसके अलावा जो हमारा वेस्ट बनता है, सारे सेल्स जो फंक्शन करते हैं वो वेस्ट भी तो प्रोड्यूस करते हैं ना, दे आर टॉक्सिक, तो उनको प्रॉपर प्लेस पे पहुंचाना जहां से वो इजीली रिमूव हो सकें, तो ये भी फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का एनिमल्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड? अगर हमारे ब्लड में कोई प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? तो लॉस ऑफ ब्लड होगा। क्यों? क्योंकि इंजरी है, ब्लीडिंग होती है उसके। अगर प्लेटलेट्स नहीं हैं तो वो अपना फंक्शन नहीं करेंगे, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं होगा, तो कभी हमें चोट लगेगी तो खून बहता ही रहेगा ना, तो लाइफ भी जा सकती है इससे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर स्टोमेटा? गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे टाइनी पोर्स, ओपनिंग्स होती हैं। कहाँ पर होती हैं बेटा? लीफ सरफेस पे। तो इनका फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस में, कहाँ से आएगी? स्टोमेटा में। ऑक्सीजन जो रिलीज होनी है एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो कहाँ से जाएगी? स्टोमेटा से। नाउ इवेपोरेशन जो भी पानी का है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, लॉस ऑफ वाटर, वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 7, डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन प्लांट्स? एक्सप्लेन कि जो ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है बच्चे, ये कोई यूजफुल फंक्शन करता है प्लांट में? एक्सप्लेन करो। बहुत यूजफुल फंक्शन करता है ये ट्रांसपिरेशन सर्व, causes cooling in the plants, okay? तो अगर प्लांट ज़्यादा हीटअप हो गया है, वाटर अगर evaporate हो रहा है, तो कूलिंग इफेक्ट देता है, क्योंकि इसकी वजह से टेम्परेचर लो हो जाता है प्लांट्स का, ठीक है? उनको एक्सट्रीम हीट से बचाता है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस। दूसरा, ट्रांसपिरेशन जो है हायर प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करता है, ओके? सक्शन क्रिएट करके ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से जो पानी अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट्स पे नहीं पहुंच सकता, वो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? ब्लड के कंपोनेंट्स बताने हैं, हमारे ब्लड में क्या क्या है। तो दैट इज़ योर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये सस्पेंड रहते हैं किसमें? प्लाज्मा में। प्लाज्मा इज़ द फ्लूड वाटरी सब्सटेंस ऑफ ब्लड। ये कंपोनेंट्स आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाई इज़ ब्लड नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी? ये जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में क्यों ज़रूरी है? तो क्या है इसका आंसर? हीमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना? और जब हम एक्सहेल आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाती है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा, तो ये भी ब्लड का काम है। प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर जाना है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ब्लड। देन जो WBC हैं ब्लड के अंदर, वो बीमारियों से लड़ते हैं, जर्म्स को किल करते हैं। जो प्लेटलेट्स हैं वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी ब्लीडिंग प्रिवेंट करते हैं, लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग एन इंजरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड? मतलब क्या है ऐसा ब्लड में जो उसको ऐसा दिखाता है कि वो लाल रंग का है, है ना? तो हीमोग्लोबिन जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, उसकी वजह से ब्लड हमें रेड कलर का दिखता है। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट का फंक्शन आपने डिस्क्राइब करना है। देखो बेटा, हमारा जो हार्ट है वो पंपिंग ब्लड पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है ना, तो पंपिंग ऑर्गन है ये। आर्टरीज के थ्रू प्योर ब्लड जाता है पूरी बॉडी में। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर 2 चैम्बर्स को हम कहते हैं एट्रिया, राइट एंड लेफ्ट में, और 2 लोअर जो हैं राइट एंड लेफ्ट में, उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो हार्ट इस तरह के जो उसका स्ट्रक्चर है हार्ट का चैम्बर्स वाला, तो ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड बचाता है ना। हमारे जो राइट साइड में इम्प्योर ब्लड आता है वेन्स के थ्रू पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर उसको पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में लेकर जाती है प्योर होने के लिए। वहाँ से पल्मोनरी वेन उसको उठाती है प्योर वाले ब्लड को, और वापस राइट वाले एट्रियम में आ जाती है, और राइट वेंट्रिकल से आपका ये प्योर ब्लड पूरी बॉडी में हार्ट फिर से पंप कर देता है। तो ये ऑक्सीजन की जो सप्लाई है और CO2 का जो रिमूवल है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे हार्ट का। नो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स? क्यों ज़रूरी है भाई, जो बॉडी का वेस्ट है उसको बाहर निकालना क्यों ज़रूरी है?
हमें पता है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स दे आर टॉक्सिक, पॉइजनस, जहरीले होते हैं, ठीक है। बॉडी में रखेंगे तो डिजीजेस कॉज करेंगे, डेथ भी हो सकती है, इसलिए उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ड्रॉ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट्स। तो ये आपके बुक में भी बना हुआ है, मैंने भी यहाँ ड्रॉ कर दिया है। किडनीज देखिए, पेयर ऑफ किडनी है जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरेटर है जहाँ से यूरिन पास होता है और स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और जो ओपनिंग है जिससे ये यूरिन बाहर निकलता है दैट इज़ नोन एज यूरेथ्रा। ओके, तो दिस इज़ योर चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट से अपनी फेयर कॉपीज उठाइए और NCERT सॉल्यूशंस कंप्लीट कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।